जो कहना चाहिए हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है आप लोग सब ठीक और फिट होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है उनके लिए जो कि हैं बहुत ही फूडी लोगों को। तो ये मेरा ब्लॉग बहुत ही पसंद आने वाला है क्योंकि आज मैं जा रही हूँ डिनर बुफे पे और वहाँ पर जाके मैं आप लोगों को सब दिखाऊंगी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, सब बताऊंगी कि कैसा था फूड, कैसा था वेन्यू, कैसा था टेस्ट, कैसा था खाने का, क्या क्या था उसके अंदर, क्या क्या डिशेस मेंशन थी उस बुफे में। तो आपको अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर कराऊंगी, लोकेशन बताऊंगी कि कहाँ पर है ये जगह। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग बहुत पसंद आएगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन ताकि आपको मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और मैं थोड़ा ड्रेस अप हो जाती हूँ, थोड़ा तैयार हो जाती हूँ, तो उसके बाद आपसे मिलते हैं। गाइस, आई एम रेडी, यू कैन सी आई एम वेयरिंग दिस पिंक कुर्ता। मेरा मेकअप डन हो गया है, मेरे बाल डन हो गए हैं, मैं बाल अपने वैसे ही ओपन रखूँ आज। और थोड़ा लेट हो रहे हैं, 6:30 हो गए हैं और 7 बजे का हमारा स्लॉट है, तो वहाँ जाके आप लोगों से मिलते हैं। बाय। अभी इस वक्त हम लोग हैं सी व्यू वाले रोड पर और आप देख सकते हैं कि कितना क्राउड आया हुआ है यहाँ पर। जैसे कि आज वीकेंड है तो हर कोई अपने घर से निकला हुआ है वीकेंड एंजॉय करने के लिए, जैसे कि हम आए हुए हैं अपना वीकेंड एंजॉय करने के लिए। जाहिर सी बात है, पूरा वीक घर पे रह रह के सब बोर हो जाते हैं, तो वीकेंड पे तो बाहर निकलना या इंजॉय करना तो मस्ट है ना। तो हमने भी सोचा था कि चलो चलते हैं कहीं बाहर, इंजॉय कर कर आते हैं। और क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल के वेदर बहुत अच्छा था, तो ऐसे मौसम में तो घर पे नहीं बैठा जाता भाई, मुझसे तो नहीं बैठा जाता। और ये है चंकी मंकी, ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही अच्छा प्लेलैंड है। आप यहाँ पे अपने बच्चों को ला सकते हैं, काफ़ी अच्छी राइड्स हैं यहाँ पे, आपके बच्चे ज़रूर यहाँ पे इंजॉय करेंगे। And now finally we have reached to our destination, Chopal Desi Exotic Buffet. इसकी 3 ब्रांचेस हैं, एक है कारसास पे, एक है नॉर्थ नाजमाबाद पे और एक ये है सी व्यू पर। This is the entrance of Chopal Desi Exotic Buffet. चले अंदर चलते हैं। ये है इनका वेटिंग एरिया और ये बिल्कुल फ्रंट पे है इनका इंफॉर्मेशन डेस्क, जहाँ पे आके आप अपनी रिजर्वेशन करवाते हैं। ये सी व्यू के बिल्कुल फ्रंट पर है और काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर इन्होंने बिल्ड किया हुआ है। ये है इनकी सिटिंग अरेंजमेंट्स, काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ का और सी व्यू की ठंडी हवाओं की वजह से इनके एटमॉस्फेयर पे और 4 चांद लग गए हैं। आप यहाँ पर अपनी फैमिली गैदरिंग या रोमांटिक डेट पर भी आ सकते हैं। चलें सबसे पहले चल के आपको इनका बुफे का टूर करवाती हूँ ताकि आप भी देख सकें कि इनके बुफे में क्या क्या अवेलेबल है। आलू के मटन ब्रेड मसाला, चिकन कोरमा, अच्छा बीफ कोफ्ता, एक मटन पाया पाया
और ये हमारे सामने बिल्कुल फ्रेश बना रहे होते हैं, और जैसे ही रेडी हो जाता है तो एकदम ये लोग हॉट फ्रेश और फुल हाइजीनिक फूड हमें सर्व करते हैं। ठीक है, वेजिटेबल चाउमीन, ग्रिल किया हुआ है, ग्रिल किया हुआ है। अच्छा, ये चिकन कोरियन चौथ है, अच्छा कस्टर्ड, फ्रूट कस्टर्ड, चॉकलेट ब्राउनी, ब्रेड कूटेंगे, चॉकलेट है और पूरी क्लियर है, फ्रूट सैलेड है और तरबूज है, डबल गमित है और पाइनएप्पल पेस्ट्री, और वो लास्ट में क्या है, शुगर फ्री खीर और शुगर फ्री शाही। अच्छा सही है,
मेरा चौपाल आने का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया, इनका बुफे 90+ डिशेस थी इनके बुफे में। इनका एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था, इन्होंने सिंगिंग का भी अरेंजमेंट की हुई थी। और अभी हम घर जा रहे हैं, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़े का खाना था, टेस्ट बहुत अच्छा था। आप भी इधर ज़रूर आना और आई होप आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा यहाँ का खाना और एटमॉस्फेयर। बाय।